वामपंथी मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को भारत बंद के समर्थन में वाम मोर्चा एकजुटता रैली निकाली गई, जो किसान संगठनों द्वारा भारत बंद के समर्थन में धनबाद जिला परिषद मैदान से निकलकर रणदीप वर्मा चौक पहुंची। वहां पर वामपंथी नेताओं ने नारेबाजी करते हुए किसानों के प्रति अपनी एकजुटता का परिचय दिया। किसानों आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ है, साथ है। वाम मोर्चा करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद। वाम मोर्चा करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद। लाल झंडा करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद। लाल झंडा करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार हाय है। मौके पर वक्ताओं ने बताया कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र की मोदी सरकार लंबे समय से किसानों द्वारा कृषि बिल के विरोध में आंदोलन चला रही है, परंतु केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके वजह से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। वामपंथी दलों ने आंदोलन को समर्थन देते हुए भारत बंद में एकजुटता दिखा रही है। आज हम लोग जो आज लगातार किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसके समर्थन उन्होंने आज भारत बंद का आह्वान किया है। हम तमाम वामपंथ के लोग, ट्रेड यूनियन के लोग, उनके समर्थन में आम जनता के बीच में आए हैं कि ये जो सरकार है, भाजपा की जो मोदी सरकार है, सामने देखिए, ये किसानों पर उनके मांगों को, MSP को, उनके भूमि को जो लूटने का प्रयास कर रही है, हम लोग उनके विरोध में हैं। हम लोग आम जनता से चाहते हैं कि इस आंदोलन को, इस लड़ाई को और आगे तक ले जाएं, और जो मोदी की जो माने प्रखट नीति है, वो जो कारपोरेट घराने की नीति लेकर चल रहे हैं, हम लोग उनका विरोध करने के लिए आज तमाम लोग, वाम मोर्चा के लोग, हम लोग एक मंच पर आए हैं और आम जनता से अपील करते हैं कि इस आंदोलन में आम जनता को भी एकजुट होना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी जो आज व्याप्त रूप से बढ़ रहा है, इसके खिलाफ जो किसानों का आंदोलन है, इस आंदोलन में हम लोग सहयोग के लिए आज सड़क पर उतरे। लेकिन धनबाद में तो भारत बंद का असर दिख नहीं रहा है। हम लोग समर्थन में उतरे हैं, हम लोग भारत बंद करने के लिए नहीं उतरे हैं, हम लोग उनके समर्थन में। आम जनता कर रहे हैं कि साथ दे, तो कैसे आपको लग रहा है आने वाला समय में साथ देगी? चूंकि ये लंबी लड़ाई है, सत्ता के खिलाफ में लड़ाई है, और ये जो आज की जो सत्ता है, जो व्यवस्था है, ये एक अधिकार अधिपत्य जमाना जो चाह रही है, देश का जो लोकतंत्र है, आज लोकतंत्र को जो समाप्त करना चाहती है, ये लंबी लड़ाई है और आम जनता को इस लड़ाई में आना होगा। ये अपील के लिए आज हम लोग आए हैं और उनके समर्थन में आए हैं किसानों का।